हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल को कैसे यूज़ करना है। तो वैलिडेशन तो ऑलरेडी मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आप यूज़र से करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं और विदाउट एरर किसी वैल्यू को प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं कि डेटा आपके पास जो पहुंचे यूज़र की तरफ से, वो बिल्कुल सही पहुंचे। तो इस जो कंपेयर वैलिडेटर में हमने यूज़ करना है, वो करना है कि कैसे हमने दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है, डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है, दो टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है और देखना है कि कंपैरिजन का रिज़ल्ट क्या आता है। अगर तो हम इसके ऊपर इक्वल वाला जो ऑपरेटर है वो अप्लाई करेंगे, तो वो दोनों की वैल्यूज़ को मैच करेगा और हमारे पास एरर मैसेज शो करवाएगा अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। तो ये मेरे पास फ्रेंड्स जो ऑलरेडी एक एग्जांपल रनिंग एग्जांपल है, इसकी वर्किंग आपको बता देता हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि असल में जो है कंपेयर वैलिडेटर जो है वो वर्क कैसे करता है। तो सिंपली आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं किसी वेबसाइट के ऊपर या कहीं पे भी नेट के ऊपर कभी कभी फॉर्म फिल करते हो, तो वहाँ पे लिखा होता है एंटर पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड। तो इन दोनों की वैल्यूज़ अगर सेम हो, तभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन है जो वेबसाइट के ऊपर है वो सक्सेसफुल हो पाती है। अगर इनके दोनों में मिसमैच हो, तो आपके पास जो है एक एरर मैसेज शो होता है। तो वही चीज़ है। चलो चलिए एक पासवर्ड मैं आपको फिल करके बता देता हूँ, 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3। तो बेसिकली मैंने जो है इनके ऊपर जो है स्टार स्टार वाला जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं की, इसलिए जो मेरा पासवर्ड है वो आपको विजिबल है। तो ये देखिए, जैसे मैंने एक री एंटर पासवर्ड के अंदर जो है 1 2 3 लिखा, तो दोनों की जो वैल्यूज़ है वो मिसमैच हो चुकी हैं। तो इनको मैं सबमिट अगर करूँगा तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इनके ऊपर कंपेयर वैलिडेटर वाला जो है वैलिडेशन लगा रखी है, कंट्रोल अप्लाई किया हुआ है। तो मेरे पास एक मैसेज जो है डिस्प्ले हो रहा है, काइंडली करेक्टली टाइप पासवर्ड, मिसमैच इन पासवर्ड एंड री एंटर पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे ऊपर भी सेम पासवर्ड और री एंटर वाला भी सेम पासवर्ड लिखता हूँ, तो इसको सबमिट, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो मेरे पास कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि कंपेयर वैलिडेटर जो है उसने चेक कर लिया है कि दोनों की वैल्यू जो है सेम है। तो इस कंडीशन में अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो वो मेरे फॉर्म को सबमिट कर देगा और मेरे पास जो है जो मेरा कोडिंग है वो प्रोसेस होने के बाद जो है मेरे पास एक सिंपल सा लेबल के अंदर मैंने मैसेज लगाया हुआ है कि पासवर्ड हैज़ बिन सेव्ड। तो इस तरह की एग्जांपल के अंदर कैसे जो है कंपेयर वैलिडेटर को यूज़ करना है, तो चलिए कंपेयर वैलिडेटर की एग्जांपल डेवलप करके देख लेते हैं कि कैसे हमने जो है डेवलप करना है। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक नया वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये मेरा वेब फॉर्म है, यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नेम असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है इसका डिज़ाइनिंग पार्ट। तो डिज़ाइनिंग पार्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे टूल बॉक्स में से एक लेबल कंट्रोल को इंसर्ट करते हैं। अब जो है लेबल कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हरीति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपेयर वैल्यूज इन टेक्स्ट बॉक्सेस यूजिंग कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल इन ASP.NET।
तो चलिए यहाँ पे एक और लेबल को इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। एंटर पासवर्ड और इसका फॉन्ट जो है वो बोल्ड कर देते हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं टूल बॉक्स में से। और एक और लेबल को इंसर्ट करेंगे तो इस लेबल के ऊपर हम लिख देते हैं री एंटर पासवर्ड। थोड़ा सा इसको अलाइन कर देते हैं और टूल बॉक्स में से एक और टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना आज का जो कंट्रोल है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ कंपेयर वैलिडेटर। ये मेरे पास कंपेयर वैलिडेटर वाला कंट्रोल इंसर्ट हो चुका है मेरे वेब फॉर्म के ऊपर। तो इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के अंदर आपको ये देखिए काफ़ी सारी जो है इक्वल नॉट इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो मैं इसके लिए पासवर्ड को मैच करवाने के लिए री एंटर के साथ इक्वल को यूज़ करूँगा। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो चलिए यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, कंट्रोल टू कंपेयर। यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स वन और यहाँ पे है कंट्रोल टू वैलिडेट, किसके साथ मैच करवाना है। तो वहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स टू। अगर दोनों की वैल्यू मैच नहीं होती तो एरर मैसेज कैसा शो करवाना है आपने, तो वो यहाँ पे लिखेंगे एरर मैसेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काइंडली करेक्ट योर पासवर्ड डिटेल री एंटर पासवर्ड करेक्टली मैच कर। तो ये है मेरी एरर मैसेज और इसका जो मैं कलर है वो रेड कर देता हूँ। तो अब हमने जो है एक टूल बॉक्स में से बटन को इंसर्ट करना है अपने वेब फॉर्म के ऊपर और बटन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने लिखना है सबमिट। अब हमने एक और लेबल इंसर्ट करना है वेब फॉर्म के ऊपर जो हमारा मैसेज डिस्प्ले करवाएगा जब हमारा फॉर्म जो है प्रॉपरली सबमिट हो जाएगा। तो इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम ब्लैंक कर देते हैं। तो सबमिट के ऊपर जो कोडिंग करनी है सिंपल सी कोडिंग करनी है कि लेबल थ्री का जो लेबल फोर का जो टेक्स्ट है वो हमारे पास लिखा आ जाए पासवर्ड हैज बीन सेव्ड। जस्ट इतना ही मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी है हमने, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो है कंपेयर वैलिडेटर जो कंट्रोल है उसको समझना। तो ये देखिए जो कंपेयर वैलिडेटर प्रॉपरली जो कन्फिगर हो चुका है। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, इस एग्जांपल को रन करते हैं। तो स्टूडेंट जो मेरी मेरी एग्जांपल है वो रन हो चुकी है। तो चलिए इसमें पासवर्ड एंटर करके देख लेते हैं 123 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 123। और जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा ये देखिए मेरे पास जो है एरर मैसेज शो हो रहा है जिसका मीनिंग है तो हमारे जो पासवर्ड है और री एंटर पासवर्ड है उनकी वैल्यू जो है मिसमैच है। अगर मैं सेम वैल्यू लिख के इसको सबमिट करूँगा तो मेरे पास जो है फॉर्म प्रोसेस होने के बाद मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि पासवर्ड हैज बीन सेट सेव। तो चलिए एक और प्रॉपर्टी को चेंज करके देख लेते हैं और इसके ऊपर क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स और इसकी एक प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे है टेक्स्ट मोड, तो टेक्स्ट मोड को हम पासवर्ड कर देते हैं और इसको भी जो है हम पासवर्ड कर देते हैं। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं दोबारा से।
तो ये देखिए दोबारा से एग्जांपल जो है रन हो चुकी है, तो इसके अंदर अब मैं पासवर्ड जैसे ही लिखूँगा तो मेरे पास जो पासवर्ड है एक्चुअल में आएगा डॉट डॉट की फॉर्म के अंदर। तो फिर से दोबारा से मैं 1 2 3 लिखता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ। ये देखिए मिसमैच के टाइम एरर मैसेज, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 ऊपर भी नीचे 1 2 3 लिखता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ, तो मेरे पास जो है प्रोसेस हो जाता है मेरा फॉर्म और मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि पासवर्ड हैज बीन सेव। तो इस तरीके से जो है आप जो है कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए, वैलिडेशंस अप्लाई करने के लिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो ट्यूटोरियल जो है मैं अपने चैनल के ऊपर डेली अपलोड करता रहता हूँ।